तो सबसे पहला पार्ट है आपके परिमेय संख्या। तो कैसा कहना ध्यान दो, तो इसमें कहते हैं आपके रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर क्या था, रेशो, विजय रेशो, जिसे हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। मतलब के एस संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या होना चाहिए जो ध्यान दो, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, या भाग में जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर आ जाएगा तो चलेगा जीरो। मतलब जीरो बटा सात लिखो, जीरो बटा नौ लिखो, जीरो बटा हजार लिखो, ये सभी क्या है आपके परिमेय संख्या है। मतलब इसका उत्तर निकालेंगे तो जीरो ही आएगा, और केवल जीरो लिखोगे तो भी क्या होगी आपके परिमेय संख्या। और ऐसा लिखा है सात बटा जीरो तो ये आपके परिमेय संख्या नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखो जितनी भी संख्या है गणित की, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, उस सबको बोलते हैं वास्तविक संख्या। मतलब देखो ये आपके, ये हो गया आपके रियल नंबर। जितनी संख्या है उनको दो भागों में बांटा गया आपके, नंबर एक तो है आपके परिमेय संख्या जो ये भी मैंने बताया, दूसरा है आपके अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में खूब सी संख्या आती है, परिमेय में जब ध्यान दो कौन कौन सा आती है, नंबर वन आती है आपके प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या मतलब जो प्रकृति से मिली, जैसे एक दो तीन चार, मतलब आगे जीरो से आगे, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे करते करते आगे तक अनंत तक, लाख करोड़ दस करोड़, सिंपल, जो ना तो पॉइंटों में है ना माइनस में है ना बिन में है, सिंपल संख्या, दस हजार पाँच सौ सात सौ तीन सौ बयालीस सात सौ पचास, कोई भी संख्या तो सिंपल संख्या हो, जिसके पीछे ना तो पॉइंट है ना आपके माइनस में है ना आपके बिन में है, उसे क्या कहते हैं हम प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो हमें कहाँ से मिली है, प्रकृति से मिली है, और ये सारी संख्या कहलाती है क्या कहलाती है, ये परिमेय कहलाती है। क्यों कहलाती है परिमेय, देखो ध्यान दो, एक तो लिखा मैंने पाँच, और या उसको लिखो पाँच बटा एक, बताओ दोनों को फर्क है क्या, पाँच में एक का भाग देने पर क्या आता है पाँच। देखो ये संख्या पहले सिंपल थी, अब ये कैसी बन गई आपके, कैसी पी बटा क्यू के रूप में बन गई है, तो ये संख्या क्या होगी आपके परिमेय होगी। इसी प्रकार छः भी क्या होगी आपके परिमेय, सौ भी क्या होगी आपके परिमेय, सत्तर भी क्या होगी परिमेय, एक लाख है सत्तर अस्सी कुछ भी है सब क्या होगी आपके परिमेय संख्या होगी। कोई भी संख्या लो, हजार दो हजार लाख करोड़ सभी संख्या है तो क्या होगी आपके परिमेय होगी। दूसरा है आपके ये हो जाएगी आपकी प्राकृत के बाद आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं केवल एक जीरो ज्यादा, प्राकृत संख्या भी है और एक जीरो एक्स्ट्रा, मतलब जीरो से स्टार्ट, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे आपके अनंत संख्या, तो क्या कहलाती है आपके, ये क्या कहलाती है पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण में क्या आ रहा है, जीरो, मैंने अभी बताया था अगर जीरो के भाग में कितना हो सात है तो वो संख्या क्या कहलाती है आपके परिमेय कहलाती है, और इसके बारे में बताया गया पहले यहाँ ऊपर के पाँच में एक का भाग दोगे तो क्या आएगा आपके परिमेय संख्या। इधर ध्यान दो पहले, अगला है आपके पूर्णांक, ये तो हो गया आपके होल नंबर, अब है पूर्णांक, ऐसी जो ध्यान दो इधर से भी क्या हो आपके अनंत तक और इधर से भी क्या हो आपके अनंत, कैसे ये जीरो, ये है वन टू थ्री फोर फाइव ऐसी संख्या इधर, और इधर भी क्या हो जाएगी आपके माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, इधर भी क्या है आपके, इधर भी अनंत तक और इधर भी क्या है आपके अनंत तक, इसे क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। फिर देखो चौथी संख्या कौन सी है आपके सात दशमलव, फिर क्या है आपके
शांत दशमलव, मतलब ऐसा उत्तर जो आपके भाग लेने पर क्या है, उत्तर शांत आता। शांत कैसे, जैसे मान लो 17 में मैंने 2 का भाग दिया, उत्तर क्या आया आपके 8.5, मतलब पॉइंट पे थोड़ी दूर बाद क्या हुआ, रुक गया, उसे क्या कहते हैं, शांत। मान लो कोई कुछ कह दे कि रुक जाओ तो वही रुक जाता, या आगे गया भी है तो थोड़ी दूर 2.3 पॉइंट बाद उसका उत्तर रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं, शांत। और एक होता है आपके अशांत, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, जैसे जिसका भाग आगे तक चलता रहता है, एक मतलब वही संख्या बार बार आती रहती है। जैसे मान लो ये हो गया आपके 15, जैसे मान लो ये हो गया 16/3, तो उत्तर क्या होता है, बताओ, 0.3333 चलता रहेगा, रुकता ही नहीं। तो चाहे शांत है चाहे अशांत है, दोनों किस्में आते हैं आपके परिमेय में। क्यों, देखो पहले ऐसा था, इसका मान इससे पहले क्या था आपके 16/3 था, मैंने बताया जिसको हम किस में लिखेंगे, भाग के रूप में लिख सकते हैं। ये दो ये संख्या ऐसी है, ये पहले कैसी थी, इससे पहले कैसी थी आपके, भिन्न में थी। और मैंने बताया जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, आपके परिमेय होती है। तो देखो भिन्न के रूप में है, चाहे शांत है चाहे अशांत है, शांत है मतलब भाग रुक जाना वही पर, अशांत मतलब रुकता ही नहीं, आगे तक चलता रहता है। देखो अशांत है फिर भी जो ये आता है आपके कितना 5.3 आता है, भाग आगे तक चलता जा रहा है रुक नहीं रहा है, फिर भी वो किसमें आएगा आपके वास्तविक संख्या में, किसमें आता है, परिमेय में आता है। और अगर आपके भाग रुक भी जाता है, मतलब क्या है, शांत है, ये तो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब भाग जा भी रहा है और भाग लगातार आगे तक जा रहा है रुक ही नहीं रहा है, ये भी किसमें आता है आपके परिमेय में आता है। और कौन संख्या, माइनस वाली हो गई, ये भी हो गई आपके पॉइंट वाली हो गई। एक और है आपका जिसका वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल निकाल सकते हैं ऐसी संख्या, जैसे आपके दे रखा है 16, बताओ 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये देखो 4 है इसमें, इसका मतलब अगर 16 लिखा हुआ है तो ये क्या होगी आपके परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 16 का अंडरूट कितना होता है मान 4, और 4 आपके यहाँ आ रहा है ताकत संख्या। जैसे आपके हो गया है 225, आपसे एक बार पूछ ले कि 225 परिमेय है या परिमेय, क्या करेंगे इसका हल निकालेंगे, 225 का स्क्वायर होता है आपके 15, और 15 का आते हैं आपकी लाइन में आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी प्राकृत संख्या। अब इतना कौन याद रखे कि ये है ये वाली है, इतना कौन याद है, इसके लिए सबसे अच्छा है आपके अपरिमेय याद रखें। अपरिमेय याद करने का तो 3 संख्या होती है, वो क्या होती है आपके अपरिमेय होती है। कौन कौन सी 3 संख्या, सबसे पहला है आपके पाई, पाई के मान की इतनी बड़ी किताब लिखी हुई है, वो पूरा मान उसमें पाई का लिखा हुआ है। अब देखो पाई ऐसा है, पाई का मान रुकता ही नहीं है, और हर बार क्या आता है आपके अशांत भी है और अनावृत्ति भी। देखो ये वाली तो है आपके अशांत भी है और एक ही जैसे एक संख्या वापस आ रही है, इसमें पाई के मान में क्या होता है वो संख्या वापस आती ही नहीं, मतलब 3.1428 आगे चलता रहता है, जो भी मान है ऐसा है जो वापस रिपीट ही नहीं होता, चलता रहता है। पाई का मान हमेशा क्या होता है आपके अपरिमेय। एक संख्या और है जिसका आपके स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे मान लो कोई भी संख्या लिख लो, मान लो कोई संख्या m है, उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। जैसे देखो 16 का स्क्वायर रूट निकल गया कितना है आपके 4, ये क्या हो जाएगी आपके परिमेय। अगर 16 की जगह क्या आ गया आपके 15 आ गया, 16 की जगह क्या आ गया आपके 15, इसका स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी आपके अपरिमेय। जैसे देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके 9, वापस 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वापस क्या आ जाएगा आपके 3, लेकिन देखो 4 और 9 के बीच में संख्या है, मतलब 8 है 7 है या 6 है या 5 है, ये संख्या इनका स्क्वायर रूट निकलता नहीं, 4 का आएगा वापस 2, 9 का आएगा वापस 3, तो बीच में 5 6 7 8 रह गए, उनका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगी आपके अपरिमेय, जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे देखो 9 से क्या आ रहा है सीधा आपके 16 आ रहा है, तो 10 11 12 13 14 15 इनका अगर अंडर रूट दे रखा है तो वो संख्या क्या होगी आपके अपरिमेय, जिसका अंडर रूट निकाल सकते हैं वो तो हो जाएगी परिमेय, जिसका अंडर रूट नहीं निकाल वो क्या हो जाएगी आपके अपरिमेय। एक और है अशांत संख्या, लेकिन देखो अशांत ये अशांत नहीं, इसमें अशांत क्या है
वही संख्या बार बार आ रही है। अब ऐसा आसान है तो वही संख्या वापस नहीं आए, जैसे मान लो 0.10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000, 10,00,000, देखो 10 वापस 10 आया क्या, क्या आ गया आपके 100 आ गया, वो संख्या वापस रिपीट नहीं हुई। 100 के बाद वापस 100 आया क्या, क्या आ गया आपके 1,000 आ गया, मतलब वही संख्या वापस नहीं आती। जैसे मान लो 0.35 दे रखा है, अब आ गया 350, अब आ गया आपके 3500, अब आ गया है 35,000, ऐसी संख्या होती है जिसका बार बार क्या बढ़ता है 0। तो केवल आपको तीन संख्या ध्यान देनी है, तीन तरह की संख्या होती है अपरिमेय, बाकी सारी संख्या होती है आपके परिमेय। तीन कौन कौन सी, पहला पाई, दूसरा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तीसरा अशांत, लेकिन साथ में क्या बढ़ रहा है जीरो भी बढ़ना चाहिए। अगर तीन टाइप के अगर है तो है अपरिमेय, बाकी की सारी संख्या दे रखी है सब क्या होती है आपके परिमेय होती है। उत्तर होता है।